एवरीवन, आई होप यू ऑल आर गुड। सो आज हम इस वीडियो में अपना नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 10, यूनिवर्स। इस चैप्टर में हमें हमारे यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड के बारे में बहुत ही कुछ जानने को मिलेगा, ठीक है। ब्रह्मांड में किस तरीके से बहुत सारी गैलेक्सी समाई हुई हैं, उसमें से स्पेशली हमारा जो खुद का सोलर सिस्टम है जो कि मिल्की वे गैलेक्सी में है, उसके बारे में हम जानेंगे। और कुछ अलग चीज़ें जैसे कि फेनोमेनास, जैसे कि इक्लिप्स, वो जैसे ग्रहण लगना चांद में और सूरज में ग्रहण लगना, वो कैसे होता है, क्यों होता है, इन सारी चीज़ों को भी हम इसमें इस चैप्टर में समझेंगे। सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। सोलर सिस्टम, द वर्ड सोलर सिस्टम इज रेफर टू द सन एंड ऑल द ऑब्जेक्ट्स ट्रेवल अराउंड इट। मतलब कि सोलर मतलब सन होता है, ठीक है, और उसके आसपास जो भी चीज़ें हैं वो जब रिवॉल्व करती हैं एक सिस्टमैटिक वे में, इस चीज़ को हम कहते हैं सोलर सिस्टम। क्या क्या चीज़ें रिवॉल्व करती हैं सन के अराउंड हम देखते हैं। प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं, नेचुरल सैटेलाइट करते हैं। नेचुरल सैटेलाइट मतलब कि मून हो गया, मून जो होता है वो एक नेचुरल सैटेलाइट है, सच एज मून। एस्ट्रॉयड बेल्ट, एस्ट्रॉयड बेल्ट का मतलब देखिए जो पत्थरों की, जो रॉक्स की इतनी जो बड़ी बेल्ट जैसी बनी हुई ना, इसको हम कहते हैं एस्ट्रॉयड बेल्ट। कॉमेट्स एंड द मेटियर्स। द सन इज़ द सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम। और हमारे सोलर सिस्टम का जो सेंटर है वो सन है, उसी के अराउंड सब कुछ घूम रहा है, उसी ने सब कुछ होल्ड करके रखा हुआ है, कहते हैं। विच होल्ड्स 8 प्लैनेट एंड काउंटलेस स्मॉल ऑब्जेक्ट्स इन इट्स ऑर्बिट विथ इट्स ग्रेविटेशनल फोर्स। यानी कि सन जो है वो सारी चीज़ों को होल्ड करके रखा। होल्ड करना मतलब कि उसी के अराउंड सब घूम रही है, ठीक है, उसने कंट्रोल करके रखा है कि कोई भी प्लैनेट वो उसे दूर ना जाए, इन सब चीज़ों का वो ध्यान रख रहा है, ठीक है, होल्ड करके रखा है उसने। कैसे होल्ड करके रखा है? ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी कि सन का जो क्या है, सन का ग्रेविटेशनल फोर्स जो है उससे, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स से उसने संभाल कर रखा हुआ है। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है कि किसी ऑब्जेक्ट में जब किसी भी दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचने की जो क्षमता होती है, सपोज कर लीजिए कि सन जो है वो किसी सारे प्लैनेट्स को अपनी तरफ खींच रहा है, तो वो उसका ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, ठीक है। यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचने की जो पावर होती है, फोर्स होती है, उसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस फ्रॉम द सन देयर आर 8 प्लैनेट्स, मर्करी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। यानी कि हमारे पास सन के पास कितने प्लैनेट्स हैं जो कि उसके आसपास रिवॉल्व करते हैं? देयर आर 8 प्लैनेट्स, हम सभी जानते हैं, ठीक है। 8 प्लैनेट्स, उनके नेम दिए हुए हैं, दैट इज कि मर्करी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, ओके। प्लूटो क्या है? वॉज अर्लियर कंसिडर्ड एज अ प्लैनेट बट नाउ इट्स कम्स इन द कैटेगरी ऑफ रॉक प्लैनेट। पहले क्या होता था कि प्लूटो जो है उसे हम प्लैनेट कहा करते थे, लेकिन अब हम ड्रॉप प्लैनेट कहते हैं। ऐसा हम क्यों करते हैं? क्योंकि प्लैनेट्स हम किन्हें कहते हैं? सन के अराउंड जो एक डेफिनेट ऑर्बिट पे, यानी कि एक रास्ते पर जो प्लैनेट घूमे, डेफिनेट ऑर्बिट पे अपने पाथ पर घूमे, उन्हें हम प्लैनेट्स कहते हैं। लेकिन क्या हुआ कि कुछ समय पहले जो प्लूटो था उसने अपना ऑर्बिट छोड़ दिया। ये जो प्लूटो था वो दूसरे के ऑर्बिट में घुस गया, ठीक है, तो इसीलिए अब उसने अपने प्लैनेट होने की जो प्लैनेट कहते थे हम उसे कैटेगरी में नहीं आता है, उसे हम ड्रॉप प्लैनेट कहते हैं, ठीक है। द फोर प्लैनेट क्लोजेस्ट टू द सन आर मर्करी, वीनस, मार्स एंड अर्थ एंड आर कॉल्ड टेरिस्ट्रियल प्लैनेट। इनको टेरिस्ट्रियल प्लैनेट क्यों कहा जाता है? क्योंकि टेरिस्ट्रियल मतलब लैंड, ये ऐसे प्लैनेट हैं जिनके पास लैंड है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर सैटेलाइट भेजें अपनी, तो यहाँ पर एक लैंड है जिस पर कि सैटेलाइट लैंड कर सकती है, बिकॉज दे हैव सॉलिड रॉकी सरफेस। द टू आउटर आउटर प्लैनेट्स ओके द टू आउटर प्लैनेट्स बियॉन्ड द ऑर्बिट ऑफ मार्स एंड जुपिटर एंड सैटर्न आर नोन एज गैस जायंट। क्या मतलब कि ये जो जुपिटर और सैटर्न है इन्हें हम गैस जायंट कहते हैं, क्योंकि ये जो प्लैनेट है ये गैस से बने हुए हैं और बहुत ही बड़े हैं। दे आर मेड ऑफ
गैसेज लाइक हाइड्रोजन एंड हीलियम एंड द मोर डिस्टेंट प्लैनेट, ये बहुत दूर हैं, ये यूरेनस एंड नेपच्यून आर कॉल्ड आइस जायंट. क्यों? क्योंकि ये बहुत दूर है सन से, सन की रेस प्रॉपरली पहुंच नहीं पाती, तो ये पूरे बर्फ से जमे हुए, इसीलिए हम इन्हें यूरेनस एंड नेपच्यून को क्या कहते हैं, आइस जायंट कहते हैं. अर्थ इज द थर्ड प्लैनेट फ्रॉम द अर्थ, अर्थ जो है वो तीसरे नंबर पर आता है अगर हम अर्थ सन की तरफ से देखें तो. काउंट करें कैसे, अब मैं आपको एक बार काउंट करके इसको दिखाती हूँ, ठीक है. जैसे कि हमारा सबसे पहला ये हमारा सन है, ठीक है, मान लीजिए सन, देन हमारा मर्करी, देन वीनस, देन अर्थ, देन मार्स, देन जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून. इस तरीके से हमारे प्लैनेट जो हैं वो अरेंज्ड हैं. तो हमारा अर्थ कितने नंबर पे आया, थर्ड नंबर पे. इट वॉज फॉर्म्ड समवेयर अराउंड 4.54 बिलियन ईयर्स अगो एंड इट इज़ द ओनली प्लैनेट नोन फॉर सपोर्ट लाइफ. तो मतलब कि अर्थ जो है बहुत ही पहले बन गया था, यानी कि बिलियन ईयर्स पहले, ठीक है, बन गया था. और ये एक ऐसा अलोन, एक ही लौता जो प्लैनेट है जो कि लाइफ सपोर्ट करता है, यानी हमारे सोलर सिस्टम में बाकी जितने भी प्लैनेट हैं वहाँ पर लाइफ नहीं है, ठीक है. ओके बेटा, तो हमने आज यहाँ तक अपना कंप्लीट कर लिया. अब हम अपना स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ जो है वो नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे. टिल देन बाय बाय एवरीवन, टेक केयर.